नमस्ते मित्रों, आर टीवी में सभी का स्वागत है। आज के इस एक संवाद एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे देश के, भारत के एक वरिष्ठ सीनियर कलाकार से, जो सिर्फ कलाकार ही नहीं है, एक बड़ा कला साधक है, तारक गराई घोष। मित्रों, मैं जानता हूं आप सब इस नाम से वाकिफ है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रिलियंट पेंटर्स स्कल्प्टर्स। आज उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे एंड ट्राई टू नो उनकी जीवन की सफर, उनकी मौल्य, उनकी उनकी जो फिलोसफी रही वो जानने की कोशिश करेंगे। तारक गराई साहब, आर टीवी में आपका स्वागत है। नमस्ते। एक वेरी वार्म वेलकम एंड आपको देख के बहुत खुशी हुई, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। थैंक यू। दादा, आप तो यू आर वन ऑफ द सीनियर आर्टिस्ट। आपने मेरे ख्याल से नहीं बोले तो एक 3-4 जनरेशंस की आपने कलाकृति देखी है। आप जब स्टूडेंट थे तो आप अपने बहुत बड़े मास्टर्स के साथ आप रहे, सीनियर्स के साथ। यस। एंड आपके सामने 2-3 जनरेशन कलाकार होते चले गए। दादा, कैसा लगता है ये बड़ा सफर, ये इतना बड़ा आर्ट का जो सिनेरियो आपने देखा, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो आर्ट का जितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये हमारा जमाना में 60s-70s में ऐसा नहीं था, बहुत स्ट्रगलिंग करना पड़ा। मैंने जॉब शांति निकेतन से, कला भवन से पास आउट किया था, तो दैट टाइम मतलब ऐसा जमाना था कि क्रिएटिव आर्ट का कोई मार्केट नहीं था, तो जीना ही मुश्किल हो जाता। एक आर्टिस्ट आफ्टर कंप्लीशन हिज कोर्स, वो जब बाहर में आ जाता है तब वो मतलब कैसे क्या करेगा, कुछ मतलब उसका मतलब जीने का तरीका ही उसको मालूम नहीं था। तो मैं भी ऐसे ही प्रॉब्लम में बहुत फेस किया था, तो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस जो हुआ था वो मैंने आप लोग से बोलना चाहेगा कैसे मैं ये स्ट्रगल फेस किया। प्लीज प्लीज बोलिए। हाँ, मुझे लगता है ये जानने के बाद स्पेशली फॉर यंग जनरेशन का कुछ भी काम में आ जाए। तो मैं शुरू करता हूँ चाइल्डहुड से। मैं एक्चुअली एक रूरल, मोस्ट रूरल एक गांव में मेरा जन्म हुआ, जहाँ पे आर्ट का कोई सवाल ही नहीं, तो आर्टिस्ट तो बात अलग है। तो वहां से मैं सराउंडिंग, मेरा गांव का सराउंडिंग जितना सब आदमी रहता है, वो लोग सब ट्राइबल्स है, संताल इसी टाइप, बहुत पुअर एंड ट्राइबल्स फैमिलीज सब रहता है। मेरे को बहुत मतलब उसी आदमी का साथ मेरे को बहुत अच्छा लगता, उन लोग का मदर एंड चाइल्ड, माँ कैसे बच्चा को कितना मतलब प्यार करता है, कैसे उनको बड़ा करता है। तो ये सब लाइफस्टाइल जो है वो मेरे को बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा। तो आफ्टर दैट मैं स्कूलिंग किया, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता है चाइल्डहुड का, उसके बाद मैं आर्ट फील्ड में कैसे आया, शांतिनिकेतन कैसे आया ये, लेकिन डिटेल बोलने से वो तो बहुत टाइम लगेगा।
तो मैं स्कूलिंग हमारा इतना इंटीरियर मेरा ग्राम था, गांव था जो जहाँ पे स्कूल वहां से 7 किलोमीटर, तो अच्छा वो हाँ जाने आने में बहुत तकलीफ होता है। दो रिवर, एक अजय बहुत बड़ा रिवर है, अजय रिवर, तो उसका बाद और एक छोटा नदी, ये दोनों क्रॉस करके फिर स्कूल जाना पड़ता है। तो बारिश का टाइम बहुत तकलीफ होता है। तो इसी ऐसा करके मैं वहां से स्कूलिंग का टाइम मेरा 3-4 साल मतलब वेस्ट हो गया। एक बार मतलब वो जाने में एग्जामिनेशन जब शुरू हुआ, इतना बारिश हुआ, वो जाने नहीं पाया। तो ऐसा प्रॉब्लम होते होते मैंने जब पास आउट हुआ, हायर सेकेंडरी पास किया वहां से, तो मेरा पिताजी नहीं चाहता कि आर्ट में जाओ। मेरे पिताजी का ये था जो मैं प्रोफेसर बनूं। प्रोफेसर मीन्स जनरल कोई कॉलेज में ऐसा। तो मैं पिताजी को बहुत समझाया कि मैं आर्ट पढ़ना चाहता हूँ। बोले नहीं नहीं वो नहीं हो पाए, तुम कॉलेज में जाओ, जनरल कोर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, फिर उसका बाद प्रोफेसर बनो। प्रोफेसर आर्ट में भी होता है लेकिन वो नहीं समझता, मतलब मानता ही नहीं। अल्टीमेटली मैंने उधर का हमारा जो स्कूल का जो हेडमास्टर टीचर था, वो बोला तुम्हारा पिताजी को एक बार ले आओ, मैं समझा देगा। तो मैंने पिताजी को ले आया। पिताजी बोला नहीं नहीं मैं आपका बात नहीं मानता, वो आर्टिस्ट होने से, गाना बजाना करने से वो खाने को भी पैसा नहीं मिलेगा उसका, वो तो ऐसा हम लोग नहीं मानता। ये तो शौक से सीख ये आर्ट करता है, म्यूजिक जो म्यूजिशियन जो गाना गाता है वो तो शौक से, ये तो मतलब जीने का तो कुछ ये करना चाहिए। एक्चुअली हम लोग को फैमिली मतलब फाइनेंशियली अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं जो। तो पिताजी बोला कि नहीं तुम सोचते हो गाना बजना बजाना वो पेंटिंग करेगा और पिताजी का पैसा से खाएगा पिएगा, ये नहीं चलेगा, तुमको खुद कमाना पड़ेगा। ऐसा करके फिर मैं 1 साल चला गया। आओ ओ, मैं मेरे को ओ, ये कॉलेज में ये स्कूल कौन सा ईयर में था दादा ये? में ये 66-67 में, अच्छा 1960। हाँ तो मैंने उधर दाखिल कर दिया जनरल कोर्स में बीए। तो मैं 1 साल तक कॉलेज नहीं गया, एकदम बेकार ये हो गया। तो मेरा एक क्या बोलता है, एक दादा मतलब बाबा का जो बड़ा भाई है उसका बेटा, वो उनका अपना वो अपना एक स्कूल बनाया। तो वो पिताजी को बहुत समझाया कि काका आप उसको दाखिल कर दीजिए, आर्ट कॉलेज में दाखिल कर दीजिए। अरे बोला नहीं 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 तो बहुत समझाया, देखो उनका जो टैलेंट है ये तो सबका नहीं होता, वो तो इनबॉर्न टैलेंट, उसको वही कर दीजिए वो साइन करेगा। तो अल्टीमेटली मैंने पिताजी मान लिया, बोला ठीक है तो तुम मेरा पैच छो के प्रॉमिस करो जो जब तक तुम्हारा कोर्स चलेगा उतना दिन तक मैं पैसा जितना लगेगा मैं तुम्हारा पीछे दे देगा, लेकिन आफ्टर कॉम्प्लीशन योर कोर्स तुमको पैसा नहीं मिलेगा, तो ये तुम प्रॉमिस करो। तो मैंने पिताजी का पैर छू के प्रॉमिस किया कि जब तक मैं कोर्स चलेगा तब तक तो पैसा लेगा, उसके बाद एक पैसा भी मैं घर से नहीं लेगा। तो पिताजी मान लिया, फिर मैं कला भवन में एडमिशन ले लिया। तो
ऐसा करते हो तो मेरा एक्चुअली 1967 में मैं उधर एडमिशन लिया, तो मेरा उम्र भी बहुत बढ़ गया, मेरा क्लासमेट जो था सब 4-5 साल का, सब छोटा, सब कोई कोई मेरे को दादा भी बोलता था। तो ऐसा करके मैं कला भवन में एडमिशन लिया। अच्छा, तो एंड दैट टाइम मेरे को, मैं कल्चर लेके कभी हायर स्टडी करेगा कि क्या होगा ये कभी सोचे भी नहीं, मैं पेंटिंग करेगा, बस पेंटिंग ही मेरा सब्जेक्ट है। तो उधर आके 2 साल तक सब कुछ सीखना पड़ता, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स, एवरीथिंग। तो देन 3 साल स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन का टाइम में मैं तो पेंटिंग ही भर दिया फॉर्म में, और किंकर था जो मेरा गुरु राम किंकर दे, वो मेरे को बहुत मतलब प्यार करते। तो किंकर था मेरे को पूछा, तुमने क्या फॉर्म फिलअप कर दिया? तो मैंने बोला हाँ। कैसे, स्पेशल सब्जेक्ट क्या लिखा? मैंने बोला पेंटिंग। क्यों, जाओ फॉर्म ले आओ। तो मैं तो बहुत डरता था फॉर्म ले आया, किंकर था फॉर्म फाड़ दिया, दूसरा फॉर्म ले आओ। स्कल्पचर लिख दिया, बोला तुम्हारा तो पेंटिंग में शौक है, चलो सब्सिडरी सब्जेक्ट रहा पेंटिंग। तो मेन सब्जेक्ट स्कल्पचर एंड सब्सिडरी पेंटिंग। तो ऐसा करके तो मैंने एडमिशन स्पेशलाइजेशन कंप्लीट किया। तो किंकरदा का आशीर्वाद तभी मिल गया, उन्होंने ही फाड़ के आपको बना दिया। बहुत वो इतना, अगर किंकरदा का बारे में बोलने लगे तो वो तो पूरा दिन चला जाएगा। सही बात, बहुत कुछ मतलब उनका आशीर्वाद मेरे को मिला। तो एक बार समर वेकेशन, हम लोग समर वेकेशन में उधर रहकर काम करते थे। तो किंकरदा बहुत मतलब किंकरदा तो उधर ही रहता है, वो कभी कभी आता है, देखता है, बोला बहुत अच्छा है, ऐसे ही काम करो। एक बार मैं समर वेकेशन में घर चला गया, तो दैट टाइम थर्ड ईयर, पिताजी का तबीयत बहुत खराब था, तो इसीलिए मैं घर चला गया। और उसी टाइम किंकरदा का तबीयत बहुत खराब हो गया, तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और उस टाइम जब कोई देखने जाता है तो किंकरदा ढूंढता है, तो कौशिकदा प्रिंसिपल जो था, कौशिकदा किंकरदा को पूछा, किंकरदा अपनी काके खुद से निभावे, किसको ढूंढ रहा है? तो किंकरदा बोला, अरे तारक कोथा है, तारक तो देखछी ना। तो कौशिकदा बोला, अभी तो उनका समर वेकेशन है ना, वो घर चला गया। क्यों घर चला गया, उसको बुलाओ। अच्छा, बुलाओ, बोल दिया बस, और कुछ ही नहीं, मेरे को आना ही पड़ेगा। तो कौशिकदा का बड़ा लड़का है विजय, वो चला गया, जा करके गांव से मेरे को उठा के ले आया, बोलो चलो किंकरदा तुमको बुलाया है, अभी जाना पड़ेगा। तो मैं आ गया, आके किंकरदा बोला, क्यों चला गया, मैं इधर अकेले रहेगा, तू चला गया घर, बहुत डांटा मेरे को। फिर उधर का जो सीनियर डॉक्टर था उनको बोला, इधर और एक बेड लगेगा, तारक इधर इधर सोएगा, रात को मेरा पास सोएगा। इतना प्यार, मतलब मेरे को उधर रहकर किंकरदा को सेवा करना पड़ा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल। और उसी टाइम ही पिताजी का डेथ हो गया, बहुत सीरियस स्ट्रोक होके डेथ हो गया। तो किंकरदा का माइंड में बहुत ये लगा, जो वो घर से उसको उठा के ले आया, वो डेथ टाइम पिताजी का पास नहीं था, तो वो मेरे को मतलब बुला के मेरे हाथ सिर पर हाथ रख के बोला, तू चिंता नहीं कर, मैं तो हूं ना, पिताजी चला गया, चलो
उम्र हो गया, कोई बात नहीं, चलो मैं तो हूँ, तो ये मेरे को बहुत शांति मिला। तो ये है किंग ऑफ द। और द सेम ईयर पिताजी का 1996 में पिताजी का बर्थडे एंड किंकर दा का भी, वो एक ही साल में, सिर्फ मंथ अलग है। तो सेम सेम एज में, चलो ये हो गया। अब हम उधार, हम जो 5 साल उधार शांतिनिकेतन में था, हम बहुत बहुत ही बहुत काम किया, दिन रात। हम लोग का एक ग्रुप, उसी टाइम हमारा साथ एक है बलबीर सिंह कट, नाम सुना होगा, एंड एक है अतुल बड़ुआ असम का, फिर चंद्र विनोद पांडे, एंड एक मुनिमला करके एक जो एक लड़की, वो भी बहुत स्कल्पचर करते थे। तो हम लोग 4-5 साल दिन रात हम लोग बहुत 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 काम किया, बड़ा बड़ा स्कल्पचर बनाया, लकड़ी में तो बहुत काम किया। तो इसका बाद हम जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, देन मेरे को सोचना, उस टाइम मेरे को नेशनल स्कॉलरशिप मिला। तो मेरे नेशनल स्कॉलरशिप का टाइम ये बहुत कम था, मतलब प्राइस था 350 ऐसा कुछ। तो मैंने सोचा उस टाइम 350 बहुत है, मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। हाँ, तो भी मेरे, मैंने सोचा ये स्कॉलरशिप ये करके क्या करेगा, मेरे को और बढ़ना है और बहुत कुछ करना है, तो मैं, मेरे को कलकत्ता जाना पड़ेगा। तो सर्वरी राय चौधरी, हम लोग का मेरा जब थर्ड ईयर, तो उस टाइम सर्वरी राय चौधरी उधर आया, वो भी मेरे को बहुत प्यार करते। तो सर्वरी था, मेरे को बोला तुम कलकत्ता जाओगे, तो मैंने बोला यस। तो चलो, मेरा एक फ्रेंड है उधर, वो इंटीरियर डेकोरेशन फर्म है नेक्सस, तो मैं एक चिट्ठी लिख देता, तुम उनका साथ मीट करो, देखो उनका एक प्रोजेक्ट अभी उसको मिला है, म्यूरल, टेराकोटा म्यूरल, तो तुम उसको करो। तो मैंने बोला हाँ। तो मैं वही कलकत्ता आने का, बस वो एक चिट्ठी दे दिया, मैं, मेरा पास 300 रुपीज मेरा पास था उस टाइम, बस वही 300 रुपया लेके मैं वहां से बेडिंग उडिंग लेकर के एकदम स्ट्रेट कलकत्ता चला आया। किसी को जानता नहीं है कलकत्ता में, कहाँ रहेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं, मैं आ गया स्ट्रेट नेक्सस में, डायरेक्ट चला गया ऑफिस। ऑफिस जाकर के उनसे कमल मजूमदार जो डायरेक्टर है, तो वो चिट्ठी दिया, तो वो मेरे को बुलाया, बोला अरे आओ आओ, चलो तो एक हमारा काम है, एक म्यूरल है, बहुत बड़ा म्यूरल, मुझे लगा 30 feet by 10 feet ऐसा कुछ साइज था, बहुत बड़ा एक टेराकोटा म्यूरल, तो उसको करना पड़ेगा 3 महीना में, हाँ हो जाएगा, तो तुम्हारा साथ अगर और लड़का चाहिए तो ले लो। तो और 3-4 आर्टिस्ट को मेरा साथ असिस्ट करने के लिए, और 3-4 आर्टिस्ट मिल गया। तो वो म्यूरल तो 3 महीना का पहले ही कंप्लीट हो गया, उसको असेंबल करके एकदम कंप्लीट कर दिया। तो वो पहला काम था, दैट वाज द फर्स्ट वर्क, करेक्ट, फर्स्ट वर्क मतलब वही मेरा, मतलब कलकत्ता आके फर्स्ट जॉब वही मिला। तो आफ्टर कंप्लीशन मजुमदार साहब मेरे सबको बुलाया, जो 4-5 जो मेरा साथ काम किया, तो अब तो मेरा ये काम कंप्लीट हो गया, तो आप बोलो तुम लोग क्या करोगे। तो अब हम लोग तो स्कल्पचर करता है, स्कल्पचर ही करेंगे, नहीं आप तो स्कल्पचर का काम नहीं है, हमारा इधर इंटीरियर डेकोरेशन फॉर्म में ड्राफ्टमैनशिप का काम है,
पर्सपेक्टिव एलिवेशन ड्राइंग फर्नीचर ड्राइंग ये सब अगर सकेगा तो चलो इंटरव्यू दो, तो सभी बोला हाँ करेगा। तो उस टाइम एक फर्नीचर का एक कैबिनेट का और एक एलिवेशन ड्राइंग उसको ट्रेस करना पड़ेगा, ट्रेसिंग पेपर दिया बोलो इसको ट्रेसिंग करके 1 घंटा टाइम दिया चलो कर दो, तो सभी ये किया। और मेरे को वो ट्रेसिंग वगैरह ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने चुपचाप बैठा रहा, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर खत्म हो गया। तो उसका बाद मैंने वो जो बॉय पेपर्स वगैरह देता था उसको बोला मेरे को एक कार्टिस पेपर दो, तो मेरे को कार्टिस पेपर दिया, तो मैं वो ड्राइंग देख करके डायरेक्ट ड्राइंग कर दिया, करके बैठा मतलब फिनिशिंग करता है। वो तो उसी टाइम मजुमदार देखने आया कौन क्या करता है, तो मजुमदार सबको पास गया, मेरा पास आके बोला अरे ये तुम क्या करता है। मैंने बोला वो फर्नीचर जो आप ड्राइंग दिया उसी, अरे उसको तो मैंने ट्रेसिंग करने बोला, तू इसे डायरेक्ट क्यों किया, चलो उठो चलो आओ मेरा साथ। तो अपना मेरे को चेम्बर में ले गया, बैठा, यू आर द राइट पर्सन, मेरे को बोल यू आर द राइट पर्सन, मैं इसी ऐसे ही एक मतलब आर्टिस्ट को ढूंढ रहा है, इतना तुम्हारा ये साहस कैसे हुआ, मतलब इतना जो मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग तुम डायरेक्ट कैसे कर दिया, चलो तुम्हारा नकली पक्का ठीक है। लेकिन मैं उधर बहुत सारे काम किया, 2 साल उधर रहा, तो 1972-73, तो लेकिन वो मेरे को पैसा भी बहुत बढ़ा दिया उस टाइम, स्टार्टिंग में 300 समथिंग, 300-350 ऐसा, उसका बाद आफ्टर 6 मंथ्स वो मेरे को 500 कर दिया, 500 का बाद अनदर 2 बार इंक्रीमेंट 1000 कर दिया, तो इंक्रीमेंट बहुत दिया, पैसा भी दिया। तो आज मजुमदार जब जहां जाता है साथ साथ मेरे को भी साथ ले जाता, आइडिया इंटीरियर डेकोरेशन का हर एक किस हर एक आइडिया को लेने के लिए हम दोनों डिस्कशन करते हैं, इसे करते। बट मेरा एकदम मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, पैसा मिलता है लेकिन मेंटल सेटिस्फेक्शन एकदम नहीं, क्योंकि मैं क्रिएटिव काम करना चाहता। तो तब मजुमदार बोला तो ठीक है तुम करो ना जो सोचता है तुम करो। मैंने बोला ये फर्नीचर जो पॉलिशिंग होता है ना, मेहगनी वुडन का ऊपर वो बराबर पॉलिश करता है, बहुत बराबर हाई क्वालिटी, मैंने बहुत बड़ा इंटीरियर डेकोरेशन फर्म है, बड़ा बड़ा सब टाटा बिरला गोइंग का ऐसा इनका सब फर्म में ये होता है, फर्नीचर सब सप्लाई होता है। तो मैंने बोला तो मेरे को एक सोफा सेट दीजिए, मैं कुछ सोचता हूँ इसके बारे में। तो बोला जाओ ले लो, कंप्लीट करके दिया मेरे को। तो उसमें मैंने सोचा इसको एक एंटीक पॉलिश कलर शेडिंग करके मैं बहुत पुराना फर्नीचर का एक इफेक्ट ले आया, 200 साल का पुराना एक फर्नीचर। तो मैंने बोला मैं जब काम करेगा एक घर में किसी को आने को नहीं, मैं अपना ये से करेगा। बोले हाँ ठीक है चलो, दरवान के बैठा दिया, किसी को आने नहीं दिया। जब कंप्लीट हो गया तब मजुमदार आया, देखा वो तो देख के एकदम ताज्जुब बन गया, बड़े ये कंसेप्ट तुम्हारा कैसे आया, ये तो बहुत अच्छा है, चलो तुम एक काम करो वो जो लड़का जो जिसको काम नहीं मिला उसको बुला लो, उसको तुम ट्रेनिंग दो। सब फर्नीचर में ऐसा एंटिक सब पुराना इफेक्ट लाएगा, और क्लाइंट भी बहुत खुश, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसा करके बहुत कुछ मतलब एक्सपेरिमेंटल बहुत कुछ काम मैंने उधर किया था, बट मेरे को मतलब मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। बहुत रात 7:30-8 बजे तक काम किया। तो उसी का टाइम एक बात मैंने भूल गया,
जब पेंटिंग शांतिनिकेतन में जब पेंटिंग किया था उस टाइम मैंने ओल्ड मास्टर्स कॉपी वर्क बहुत किया, क्योंकि मेरे को अच्छा लगा ओल्ड मास्टर्स पेंटिंग्स, रूबेंस रेम्ब्रांड के जो पेंटिंग्स है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो वो कैसे करेगा। तो उधर एक राधाचरण बाब जी, हमारा हम लोग का टाइम एक टीचर, बहुत अच्छा वो ऑयल पेंटिंग्स में ये सब काम बहुत अच्छा। तो मैंने उनसे वो टेक्निक सीखा, ओल्ड मास्टर्स पेंटिंग कैसे कॉपी किया जाए, वो टेक्निक क्या है, कौन कलर का साथ कौन कलर मिक्सअप करना पड़ेगा। ऑयल पेंटिंग तब तो एक्रेलिक नहीं था उस टाइम, सेफ ऑयल। तो मैंने उससे बहुत अच्छा तालीम लिया, सीखा। तो उसका बाद जब इधर आया मजुमदार ए डेकोरेशन ए कंपनी में, नेक्सस में, तो उनका बहुत सारे ऑर्डर मिलता, ये जैसे ड्राइंग रूम में एक पेंटिंग। अब उस टाइम क्रिएटिव पेंटिंग का कोई मतलब मार्केट नहीं है, कोई पसंद नहीं करता। तो मजुमदार एक स्टेट्समैन में एक एडवर्टाइजमेंट दिया, ऐसा काम करने वाला आर्टिस्ट चाहिए। तो उनको 1500 पर मंथ हम लोग देगा, तो 1500 रुपया देगा। तो मैंने वो एडवर्टाइजमेंट देखा, तो मैंने मजुमदार को बोला ये काम मैं करेगा। तो बोला तुम कैसे करेगा, तुम जानते हो? बोला हाँ। तो नहीं इधर नहीं, तुम कैनवास कलर जो लगेगा घर में ले जाओ, उधर ले जाके तुम काम। तो मैं 10 दिन में एक तो 3 फुट 2.5 फुट एक कैनवास में वो एक तो रुबेन्स का एक पेंटिंग करके मैंने उनको दिखाया। वो तो बहुत खुश हुआ, बोले बड़े अरे बहुत अच्छा, चलो तुम्हारा 1500 रुपया मानना में तुम्हारा मिल जाएगा। तो मैंने इधर का काम करता है, सुपरवाइजिंग करता है, मजिंदर के साथ जाना पड़ता है, जॉब टाइम मिलता मैं पेंटिंग करता। तो ऐसे करते करते और 1 साल तक घर काम किया। उसके बाद फिर भी मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने क्योंकि मैं मतलब फ्रीली काम करना चाहता, जैसे मैं स्कल्पचर करना चाहता, तो इधर तो नहीं है ये सब का। तो एक दिन मैं रेजिग्नेशन लेटर लिख करके मैं आ गया। तो उसके बाद आपने शुरू किया अपना जॉब छोड़ के आप अपना क्रिएटिव वर्क और पेंटिंग और स्कल्पचर करना शुरू कर दिया। अच्छा हाँ। तो ये कौन सा ईयर में था मैं दादा, ये कौन सा ईयर में था? सेवेंटी फोर 1974। हाँ ओके ओके अच्छा। ये उस टाइम मैं एक अपना मतलब एक फ्लैट एक वन रूम एक फ्लैट मैंने ले लिया, क्योंकि मेरा शादी का टाइम ऑलरेडी फिक्स हो गया नेक्स्ट ईयर 75 में। तो मेरे मैंने तो उसी टॉलीगंज में एक फ्लैट लिया। लेकिन मेरा जब नौकरी जब छोड़ दिया, तब तो मेरे को मिसेस एक जूलियन डे एक स्कूल है बहुत बड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसमें आर्ट टीचर थे, उसका इनकम है। लेकिन मैं तो क्या करेगा, मैं कुछ भी नहीं सोचता क्या करेगा। अभी अभी तो कोई मतलब ऐसा कोई ऑर्डर भी नहीं है, मैं तो छोड़ दिया। लेकिन तो ये सोचते सोचते मैंने सोचा, मेरा जो क्लाइंट था जो जहाँ जिनका वो पेंटिंग किया था, जैसे पगड़िया मतलब टाटा बिरला गोयनका बजोरिया कनोरिया, इन लोग का सब घर जा करके मैंने पेंटिंग सब सिलेक्ट किया, जो ये पेंटिंग इधर बनेगा तो वो पेंटिंग मैंने बना दिया। तो मैंने उन लोग का पास गया, ये मैं नौकरी छोड़ दिया। तो बोला हाँ बहुत अच्छा किया, ये तो बहुत अच्छा है, तो आपको आपको आप हमारा पेंटिंग बनाओ, हमारा एक एक शादी है बेटी का, तो वो शादी के लिए वो बेटी का हम पेंटिंग गिफ्ट करना चाहता। तो ऐसा करते करते मेरे को बहुत सारे ऑर्डर्स मिल गया। तो मैंने घर में बैठ करके वही, तो उसी टाइम
मैंने एक महीना में जो पैसा हम हमको मिलता तो उधर तो नहीं मिलता। मैं एक एक पेंटिंग का 2-2.5 लाख रुपया मैं सेल करता, बड़ा बड़ा, मतलब 7 फुट 5 फुट ऐसा बड़ा पेंटिंग रूबेंस का, फिर इंक्लूडिंग फ्रेमिंग कर देता, बहुत बड़ा फ्रेमिंग, 8 इंच 12 इंच ऐसा सब वो मोल्डिंग करके, एल्युमिनियम कास्ट करके फ्रेमिंग का ऊपर लगा के एकदम जैसा फ्रेमिंग उधर, तो वही फ्रेम में करके पेंट करके उसको दे देता, वो तो बहुत खुश हो जाता। तो ये काम मैंने करीब 2 साल तक किया था, तो मतलब दो साल उस वक्त आप पेंटिंग्स में सब्जेक्ट्स कौन सा लेते थे? नहीं, सब्जेक्ट कॉपी वर्क, ओनली अच्छा, कॉपी, वो ओनली कॉपी सब वर्क। ओनली कॉपी वर्क। उस टाइम क्रिएटिव कुछ भी चेंज करना नहीं पड़ेगा, वो करने से उन लोग का पसंद नहीं, जैसा बुक्स में है एकदम ऐसा ही चाहिए हमको फिर क्रिएटिव वर्क्स कब कब आया, कब स्टार्ट हुआ दादा? हाँ, वही वही मैं क्रिएटिव वर्क जो आफ्टर 80s, ओके। उसका पहले किसी का, इधर बड़ा बड़ा जो पेंटर्स था उनका भी कोई काम, मतलब सेल नहीं होता एग्जीबिशन में, एक दो कभी कभी सेल हो जाता अदरवाइज। तो आफ्टर इसका इन द मीन टाइम, वही जो काम करने का टाइम, मैं भी एक ऑफिस स्टार्ट किया, इंटीरियर डेकोरेशन ऑफिस मैंने किया, और उसमें सब जितना क्लाइंट्स, 3-4 क्लाइंट्स बड़ा बड़ा, जैसे इंडियन ऑयल, कैलोरिक्स इंडिया, ऐसा बड़ा बड़ा पियरलेस, यही तीनों कंपनी का मैंने पूरा काम ले लिया, और उनका सब काम करा, 100 करीब मेरा वर्कर्स, कारपेंटर पेंटर पॉलिश मिस्त्री लेकर के 100 मोर देन 100 वर्कर्स। तो वो लोग सारा दिन नाइट एंड डे 24 आवर्स शिफ्टिंग ड्यूटी में काम करता है। तो ऐसा करते मैं सुबह जाके एक बार विजिट कर देता, बस उसके बाद मैं अपना घर बैठ के और पेंटिंग बनाता। तो ऐसा करते करते अब जब 1984 में, 84 में मेरा एक बहुत बड़ा इंडियन ऑयल का एक बहुत बड़ा एक टेंडर मिला था, करोड़ों का भी ज्यादा, हाँ 1.56 लाख का एक टेंडर। अच्छा। तो मैंने उस टाइम सोचना पड़ा अब मैं क्या करेगा। उस टाइम ललित कला एकेडमी इधर एक रीजियनल सेंटर बनाया, मेरा गोलपार्क जहाँ रहता था उसका एकदम वॉकिंग डिस्टेंस में। तो मैंने उधर जाके, तो मैंने डिसीजन तुरंत, मैं डिसीजन चेंज कर लिया कि आप सब छोड़ देगा, आप मेरा स्कल्पचर शुरू करेंगे। तो उधर जो इंचार्ज में था कोरितो सेन, आप नाम सुना होगा, तो कोरितो सेन बहुत बड़ा पेंटर, एंड अमिताभ बनर्जी, और ये दोनों का ऊपर ये हो गया मुझे, आप लोग इसको सेटअप कर दो। तो मैंने गया तो वो मेरे को बोला, अरे तो बहुत अच्छा हुआ तारो, तुम तो इंटीरियर किया, तो इधर सब फर्नीचर वगैरह जो जो जरूरत है, स्कल्पचर का रिवॉल्विंग टेबल वगैरह तुम बना दो। तो बोला हाँ हाँ ठीक है, तो मेरा कारपेंटर जो था उससे बना लिया। तो मैंने वो टेंडर ये कर दिया, मतलब ये काम हम नहीं करेगा, रिफ्यूज कर दिया। तो उसका करके मैं वो जितना लेबर्स था उनका सब 1 मंथ प्राइस दे करके जाओ, ये मैं ये काम बंद कर दिया। तो ऐसा करके कंपनी बंद कर दिया, गड़ा इंटीरियर डेकोरेटर्स मेरा कंपनी का नाम था। तो उसके बाद मैंने सब बंद करके मैंने अपना, बस यही स्टार्ट हुआ मेरा स्कल्पचर कौन का, कौन सा ईयर में था ये? कौन सा ईयर में था? ये 84। 1984 में। एंड वहां से जो क्रिएटिव वर्क शुरू हुई वो वहां से अभी तक चल रहा है वो? एकदम वही से शुरू हुआ,
स्कल्पचर एंड पेंटिंग ऑल्सो, स्कल्पचर पेंटिंग दोनों मैंने सुविधा, और जहाँ पे मैंने मेरा रेसिडेंस जहाँ था उधर गोल्ड पार्क में, वो स्पेस उतना नहीं था, तो मैंने सोचा अभी तो मेरे को ये करना पड़ेगा, स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, स्टूडियो बनाना पड़ेगा। ये सपना मेरा बहुत, मतलब जब से मैं शांतिनिकेतन में जॉब स्टार्ट किया उसी टाइम से मेरा एक सपना था जो मेरा एक बहुत बड़ा स्टूडियो बनेगा, जहाँ ऐसा स्टूडियो इंडिया में किसी का नहीं होगा ऐसा। मेरा पिताजी बोलते थे जब कुछ सोचेगा ना तो ऊंचा सोचो, मैं ऐसा नहीं है जो चलो किसी तरफ से हो गया मैं खुश हो गया, ऐसा कभी खुश नहीं होने का, जब सोचो जो भी सोचो बहुत ऊंचा बड़ा सबसे ऐसा होगा जो और किसी का नहीं होगा, तो ऐसा सोचना। तो मैंने जगह बहुत कलकत्ता में से एयरपोर्ट की तरफ से लेकर के सारा बहुत जगह, मुझे पसंद नहीं, जगह पसंद नहीं हुआ, एनवायरनमेंट पसंद नहीं हुआ, अल्टीमेटली जहाँ पे अभी मेरा स्टूडियो है इधर, एक मेरा क्लाइंट एक वो मेरे को बोला चलो आपको स्टूडियो का मेरा एक जगह है आप चलो वो जगह आप देखो, तो वो मेरे को ले आया है जगह। ताज्जुब की बात है इधर आके मैं जब इधर खड़ा हुआ तो मेरे को लगा यही तो मेरा जगह है, एंड कलकत्ता ये से एकदम नजदीक 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस में, ये भी कलकत्ता है लेकिन आउटस्कर्ट में, थोड़ा सा आउटस्कर्ट में मेरे को ये जगह मिल गया। तो इधर मैंने स्टूडियो बनाया मोर देन और 3,000 square feet दोनों पूरा मैं स्टूडियो एनेक्सेस स्टूडियो बनाया, जहाँ पे मेटल कास्टिंग मेरा जो मोल्डिंग वगैरह सब करने के लिए, और एक स्टूडियो बनाया स्टूडियो का ऑपोजिट साइड में। तो ऐसा करके मैंने अपना काम तो पूरा चालू कर दिया। तो दादा और तो आपके इस काम में, आप स्टूडियो में जो करते हैं स्कल्पचर्स करते हैं पेंटिंग्स करते हैं, मैंने आपका काफी काम देखा उसमें, स्पेशली एक ट्राइबल लाइफस्टाइल की एक जो है yes. उसमें ये सब्जेक्ट आपको इतना टच क्यों हुआ सर? हाँ वही वही तो बात है ना, शुरू में बोला ना, क्योंकि आप तो सिटी में थे, आप बड़े बड़े इंटीरियर डिजाइनर के साथ काम करके बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ रहते, तो ये आपका जो सिटी की तरफ आपकी जीवन रही, लेकिन वो जब ये ट्राइबल ये पूरा गांव वहां के एकदम उल्टा एकदम पीछे, ऐसा ये कैसा हो yes. गया? Yes, yes. ये बहुत अच्छा एक सवाल का, बहुत ही अच्छा। मैंने वही क्लाइंट का पास जब जाते सब देखा, मॉर्निंग में जो मिसेस, जैसे मिसेस बगाड़िया मिसेस, तो उन लोग सुबह मतलब उनका मतलब वो नहा वहा के ड्रेसिंग करके बस वो निकल जाता, उनका जो बच्चा है वो बच्चा को बड़ा करता है, उनका जो आया है वही बच्चा को बड़ा करता है, मम्मी का पास उन लोग का जाने का कोई सवाल ही नहीं। फिर जब रात को वापस आता है उस टाइम से थोड़ा सा एक तो हेलो बाबी हाय बेबी करके चला जाता है, वो मम्मी का पास जाने का कोई मौका ही नहीं मिलता, वो आया ही दिन भर उसको बड़ा करता है। तो ये हर जगह सब ऐसी ऐसी क्लाइंट के पास जा करके ऐसा देख करके मेरे को बहुत दुख लगा, मैंने सोचा ये क्यों ऐसा क्यों। तो मैं जहाँ पे बड़ा हुआ उधर देखा सराउंडिंग, बोला ना जो ट्राइबल्स जो है करेक्ट, ये मदर जो है
वो बच्चा को कभी छोड़ता नहीं है, वो जितना भी काम करता है, लेबर जो मिट्टी उठाता है पीछे बच्चा को बांध लेता है, वो खेती में काम करता है, वो एक पैर का नीचे उसको उसको मतलब उसको राख करके आके काम करता है, कभी कभी जा करके उसको ब्रेस्ट फीडिंग करके फिर आता है, मतलब वो कभी मतलब उसका हस्बैंड को बच्चा को नहीं देता, कभी नहीं देता, मतलब वही माँ ही हर दिन भर रात भर अपना पास रखता है। तो मैंने उसी टाइम सोचा था कि मैं यही सब्जेक्ट लेकर के मैं काम करेगा, और ये लोग को मैं दिखाना चाहता कि देखो ये माँ कितना मतलब बच्चा को प्यार करता है, कैसे बड़ा करता है। तो मैं आज करीब मोर देन 55 ईयर्स हो गया, 56 ईयर्स हो गया, अभी मैंने अभी तक भी पेंटिंग में स्कल्पचर में बहुत ही सब ऐसा सब्जेक्ट लेकर के काम किया। और एक काम किया है जो उसे कुछ क्या बोलता है उसको, जैसा कृष्णा एंड ये कुछ ऐसी सब्जेक्ट में कुछ काम किया, बुद्धा, और यही मतलब मदर एंड चाइल्ड का सब्जेक्ट मेरे का सबसे ज्यादा फेवरेट है। लकड़ी में काम किया, बड़ा बड़ा स्टोन में किया था। एक एक बात पर मैंने इन 2005 में, 2005 साल में मेरे को गाजियाबाद में एक नेशनल कैंप के लिए एज ए कैंप डायरेक्टर करके मेरे को उधर बुलाया, स्टोन कार्विंग कैंप। तो मैंने उधर गया तो उस टाइम जो मुलायम सिंह तो वो यूपी का मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर, वो मेरे को बोला आप गाजियाबाद के लिए दादा कुछ सोचिए। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, तो आप मेरे को जमीन दीजिए। तो आपको कितना जमीन चाहिए, 1 स्क्वायर किलोमीटर, 2 स्क्वायर किलोमीटर, जितना भी दीजिएगा। तो बोला अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए जमीन का बंदोबस्त हो जाएगा। तो उस टाइम गाजियाबाद, गाजियाबाद ऐसा एक जगह है जहाँ वो तो इंडस्ट्रियल सिटी है, तो जगह बहुत कीमती, एक एक कट्ठा जगह का 1 करोड़ 25 लाख एक कट्ठा जगह। सही बात, तो वो मेरे लिए एक उधर एक बस्ती, बहुत बड़ा बस्ती, करीब 25 एकर्स लैंड। तो वो बस्ती को पूरा आउटस्कर्ट में मकान बना के सब पूरा शिफ्ट कर दिया, और वो जगह को पूरा खाली करके मतलब पूरा वैकेंट किया। बट इन द मीन टाइम क्या हुआ, वो मायावती सरकार आ गया तो इसी वजह से काम रुक गया। फिर 2012 में उसका लड़का अखिलेश वो जब आ गया, तब तो मेरे को फिर बोला दादा आप आइए, आपका बंदोबस्त हो गया जमीन का। तो मैं गया उधर, मेरे को दिखाया ये जमीन आप जो बोला था, आप बताइए क्या करना चाहता है इधर। तो मैंने उधर मीटिंग में बताया कि इधर एक कल्चरल हब बनाने का लिए सोचता हूँ। तो कल्चरल हब वो क्या चीज होता है मैंने बोला जैसे कलकत्ता में जैसा है रविंद्र सदन है, उधर संत अकादमी एंड नंदन, ये सब सराउंडिंग हर किस्म का जो कल्चरल एक्टिविटीज होगा ये अलग अलग एक कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसा होगा, और जो स्पेस वैकेंट स्पेस में स्कल्पचर बनेंगे, तो ये बड़ा बड़ा स्कल्पचर होगा। और वो स्कल्पचर का जो तो बहुत कीमती स्कल्पचर का बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो उसके लिए मैं कोशिश करेगा कि
ये कितना कम में ये स्कल्पचर बन सके, तो मैं वो नेशनल कैंप करके वो सारा स्कल्पचर, बड़ा बड़ा स्कल्पचर उधर इंस्टॉल कर दूंगा। तो बहुत ये हुआ, बोला ठीक है दादा, तो आप जरा बताइए तो आपको कितना देना होगा। तो मैंने मुलायम को बोला, देखिए मैं तो एक पैसा नहीं लेगा, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को काम चाहिए। आप लोग सिर्फ मेरे आना जाने का, इधर रहने का बंदोबस्त कर दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो बहुत खुश हुआ, मेरे को इतना इज्जत से उधर, मैं जब गाजियाबाद जाता हूँ एकदम फाइव स्टार होटल में, एकदम फर्स्ट क्लास उधर रहने का, आने जाने का सब कुछ, मेरा साथ हर टाइम दो मतलब बॉडीगार्ड, एक का गाड़ी, सब कुछ बंदोबस्त के कर। तो मैंने उधर काफी काम किया था, उधर तीन नेशनल कैंप किया सीनियर सब स्कल्प्टर्स को लेकर के। कौन सा ईयर में था? 2012 के बाद का, बराबर? हाँ, तो 2013 में, 12 में वो आया, 13 में किया, 13 अभी वो कंप्लीट हो गया, वो अभी कंप्लीट हो गया। नहीं, अरे वो तो हजारों करोड़ों का मामला है यार, वो इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा। तो ये कैंप किया और जो स्कल्पचर्स हो गया करीब मोर देन 50 स्कल्पचर्स, सब 15-15 आर्टिस्ट को बुला लेता, सीनियर स्कल्पचर्स को, तो वो लोग आकर के पत्थर में दो किया, स्टोन में ब्लैक मार्बल का, और एक किया स्क्रैप। एक बहुत इंटरेस्टिंग, उधर गाजियाबाद में जो GDA गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो चेयरमैन है, तो वो बोला, उसका साथ मीटिंग करने के टाइम मैंने बोला जो आपका जो गोडाउन है वो मैं देखना चाहता। हाँ दादा चलिए। तो मैंने गया उधर, उधर देखा बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल पोल है लोहे का, वो तो सब रिजेक्ट हो जाता है, अभी तो सीमेंट का पोल बनता है। तो मैंने बोला ये पोल्स बहुत सारे, माने कई हजारों का, मैंने बोला ये पोल्स हमको दीजिए। हाँ लीजिए, कितना चाहिए? तो मैंने बोला, मैंने मेरे को जितना चाहिए मैं इसी को लेकर के स्कल्पचर बनाएंगे। वो लोग तो बहुत कुछ, और सब लास्ट जो कैंप किया उसमें सब वेल्डर वेल्डिंग स्कल्पचर जो बना था, ऐसा आर्टिस्ट को बुला के उधर वो स्कल्पचर कैंप किया, वो कोई पोल को काट करके अलग अलग फॉर्म में जो जो काम करता है वैसा वेल्डिंग स्कल्पचर बनाया। मैंने भी उधर एक काम शुरू किया, वो करीब 42 फीट का एक जस्ट फेस उसका स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ उसका बाद। लेकिन दादा, या दादा, आपका जो स्कल्पचर है, मतलब आप कॉलेज डेज में किंकर दा का आपको बहुत गाइडेंस और इंस्पिरेशन मिला, बहुत। किंकर दा भी वो संताल ट्राइबल के ऊपर बहुत काम किया था इसमें, एंड आप भी, ये आपके पेंटिंग में या आपके स्कल्पचर्स में कोई पर्टिकुलर ट्राइबल ट्राइब का प्रेजेंटेशन है, जैसे कि संताल ट्राइब का हो ऐसा, क्या आप नॉर्मली मदर एंड चाइल्ड के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया जाता? नहीं, ऐसा ही ट्राइबल मदर एंड चाइल्ड का ही है, ट्राइबल का कॉन्सेप्ट तो है ही स्कल्पचर में, बट पेंटिंग में दोनों ऐसा कुछ नहीं है जो स्कल्पचर का साथ रिलेशन होगा पेंटिंग में, ऐसा नहीं है। मैं पेंटिंग अलग ढंग से बनता है, टोटली अलग फॉर्म मेरा पेंटिंग में आ जाता है, तो ऐसा किसी का ऐसा होता? ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन आता है, 30-40 years, 50 years पहले के जो सब पेंटर्स आर्टिस्ट थे, इनमें वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो ब्रश स्ट्रोक्स, वो फॉर्म्स, वो ये सब्जेक्ट को लाना, उनका एक कंप्लीट ट्रीटमेंट नरेशन ये अलग था, ये अभी का जो है ये टोटली अलग है इसमें। हाँ,
ये फर्क मैंने, फॉर एग्जांपल आपके पीछे भी जो पेंटिंग है वो ब्रश स्ट्रोक सब फ्री इतना थोड़ा करके छोड़ दिया, ऐसा रैंडमली छोड़ दिया, ये कर दिया वो, अभी वो रैंडमनेस, वो स्पॉन्टेनियस, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये स्ट्रोक्स वो उतना दिखता नहीं है जितना, ये फर्क क्यों है दादा ऐसा? हाँ नहीं, ये मेरा ये बनाया लास्ट सपर क्राइस्ट का ऊपर जो एक सब्जेक्ट, मैंने ओन कंपोजिशन, ये कॉपी वर्क नहीं है, ये अपना कंपोजिशन बनाया, दो लास्ट सपर बनाया, एक ये और एक बिफोर जो खाने का जो क्राइस्ट का जो 12 उसका जो ये डिसिपल्स है उनको लेकर के कॉन्फिडेंशियल एक मीटिंग हुआ, तो उसी कंपोजिशन को लेकर के मैंने एक कंपोजिशन को कंप्लीट किया। वो ब्रश स्ट्रोक में इतना डिफरेंस क्यों है, इतना फर्क क्यों है दादा? हाँ मेरा अपना स्टाइल से ही वो स्ट्रोकिंग ब्रश स्ट्रोक ये यूज करता है। कुछ पेंटिंग्स में मैं एकदम शुरू में मतलब 1990 का जो उसी टाइम में मैंने बहुत स्मूथ सरफेस को यूज करके उसे पेंटिंग बनाया, क्योंकि ओल्ड मास्टर्स का जो ये था वो मेरा उसमें आ जाता। तो अभी जो पेंटिंग रिसेंटली जो पेंटिंग होता है उसमें मैं ब्रश स्ट्रोक बहुत स्ट्रोक यूज करके अभी काम करता हूँ। आपके स्कल्पचर्स को भी मैंने देखा, वो आप फॉर्म्स के साथ बहुत खेलता है। हाँ, एक फिगरेटिव फॉर्म को भी इतना अच्छे तरीके से उसको तोड़ता है एंड देन यू गेट इट, उसका एक पावर, उसका एक मजा ही अलग आता है। वो फॉर्म्स के बारे में थोड़ा बताइए ना आपका फॉर्म्स के। हाँ, एक्चुअली मेरा ये किंग कर्दा का कुछ इन्फ्लुएंस मेरे को मिल गया। पोर्ट्रेट में जैसे किंग कर्दा बोलते थे कि पोर्ट्रेट मतलब ऐसा नहीं है जो आदमी जिसका पोर्ट्रेट को तो उसी का फेस मिला दिया बस पोर्ट्रेट हो गया, नहीं है। एक फोटोग्राफ लेकर के एकदम एज इट इज फोटोग्राफ जैसा है उसे मतलब वो पोर्ट्रेट नहीं हुआ, वो अच्छा पोर्ट्रेट नहीं है। एक्चुअल जो है वो आदमी का जो मतलब अंदर का वो आदमी कैसा है, वो आदमी कौन है, उसका पर्सनैलिटी पर्सनालिटी क्या है, इसको उसमें आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, फेस मिलने का कोई नहीं है, ऑटोमेटिकली उसको कैरेक्टर्स मिला, कैरेक्टर्स आना चाहिए। तो मेरा जितना पोर्ट्रेट आज तक मैंने किया कभी करीब 1000 तो हो ही गया, 1000 पोर्ट्रेट मैंने किया बहुत। तो वो सब पोर्ट्रेट में मैं जब किसी का एक पोर्ट्रेट में शुरू करता तो मॉडल का चाहे फोटोग्राफ्स का तो दैट टाइम मैं स्टडी कर लेता, पोर्ट्रेट किया क्ले में, फिर जब कंप्लीट हो गया मैं उसको तोड़ दिया, सेकेंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया, उसका बाद सब हटा दिया, मॉडल एंड फोटोग्राफ्स, अब मैंने अपना माइंड से पोर्ट्रेट बना। तो ये जो बनाया यही मेरा फाइनल प्रोडक्शन हो गया। तो इसीलिए मेरा मैं वही स्ट्रोक यूज करता है, उसका कैरेक्टर के हिसाब से मैं उसको स्ट्रोक से मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ। ज्यादा टाइम नहीं, मैक्सिमम हाफ एन आवर एक घंटा में कंप्लीट मेरा एक पोर्ट्रेट बन जाता है, बस सही सही। आपके कलर्स जो पेंटिंग में आपका कलर्स है वो भी बहुत एक अर्दन फैमिली अर्दन कलर पैलेट में आता है, जैसा आपका स्कल्पचर्स में आता है। इसमें आप ये स्पेसिफिकली उसको इस्तेमाल करते हैं या कैसा है ये स्कल्पचर? हाँ, का इन्फ्लुएंस है क्या पूरा? हाँ, नहीं, एक्चुअली पेंटिंग में मैंने क्या बहुत सारे जो ओल्ड मास्टर्स कई मोर देन 300 पेंटिंग्स किया था,
ओल्ड मास्टर्स, बहुत बड़ा बड़ा पेंटिंग, मोर देन 300। तो उस टाइम मैंने, तो उसी टाइम में तो एक्रेलिक, तो आफ्टर 80s एक्रेलिक कलर आया, उसका पहले ऑयल कलर, विंसेंट न्यूटन ऑयल कलर, उसी से मैंने काम किया। तो एक साथ 6 पेंटिंग 6 कैनवास में काम करता। पहले एक में पेंट लगाया, एकदम ओल्ड मास्टर्स टेक्निक से काम किया। वो जो बोला ना, जो राधाचरण बागची, वो मेरे को सिखाया कैसे वो कलर। अभी तो कितना साल हो गया, कोई पेंटिंग 72 में काम किया, अभी तो कलर एज इट इज, डस्ट क्लीन कर देगा तो एकदम। लेकिन ऑयल पेंट में आजकल जो पेंटिंग होता है ना, वो 2 साल बाद वो कलर चेंज हो जाए, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ कलर वो तरीका नहीं मालूम, उसको एक तरीका होता है किस कलर का साथ क्या कलर मिला जाए। तो वो मेरे को सीखा, मैं सीखा एंड उसी तरह। तो इसीलिए वो कलर बहुत अच्छा, मतलब ठीक ठाक है। और रिसेंटली अभी मैंने किया, अब जब एक्रेलिक कलर आ गया, तो मैंने एक्रेलिक से फर्स्ट अप्लाई करता है, पूरा कंप्लीट पेंटिंग एक्रेलिक से ये किया। उसका बाद जब फिनिशिंग में मैं ऑयल से फिनिश कर, ऑयल कलर से। तो इसी ढंग से मेरा काम होता है पेंटिंग में। आपको आप जब यंग थे, जब कॉलेज में थे, तभी आपको कौन सा आर्टिस्ट सब इंस्पायर किया आपको? आपको कौन सा आर्टिस्ट सब बहुत अच्छे लगते थे? कॉलेज लाइफ में तो मेरा मतलब आर्टिस्ट, मतलब कि इंडियन आर्टिस्ट। हाँ, इंडियन आर्टिस्ट, इंडियन हो वेस्टर्न हो। मेरा गुरुजी रामकिंकर का काज छोड़कर के और किसी का काम अच्छा नहीं लगता। मैं तो हर टाइम उनका साथ, उन्हीं का काम ही अच्छा लगता। अभी का आज टुडे इज 2022, अभी का टाइम, आज का ईयर, अभी का जनरेशन का आर्ट देखता है आप, जब उनके क्रिएटिव फॉर्म्स हो या उनके उनके एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स हो, कैसा आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन क्या है, कैसा है वो? अच्छा है, ठीक है, और है, और ये होना चाहिए, क्या लगता है आपको? एक्चुअली अभी जो यंग जेनरेशन का जो प्रॉब्लम्स क्या है, ये लोग बहुत मतलब कैलेंडर जैसा, कमर्शियल वर्क जैसा है ये, इसमें ज्यादा उसका इंटरेस्ट ज्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम 90% आर्टिस्ट वो सेलिंग के बारे में सोचता है, ये काम कैसे सेल आउट हो जाओ। नॉट ओनली पेंटर्स, स्कल्प्टर्स भी ऐसा ही है, जो काम करने का बाद वो सोचता है ये कितना जल्दी सेल हो जाए। हाँ, ये तो बात है ही, क्योंकि पैसा का जरूरत होता है तो काम तो सेल करेगा ही। लेकिन तो क्रिएटिविटी जो है, क्रिएटिव इसको छोड़ के वो ज्यादा ध्यान देता है उसका सेल का बारे में। तो इसीलिए उसका जो फिनिशिंग हो जाता है, वो फिनिश जो वर्क जैसे वो बहुत ज्यादा कमर्शियल फिनिश करके उसको, आजकल जो एग्जीबिशन होता है ना, वो एग्जीबिशन में सारा सब मतलब वही कमर्शियल, एकदम कैलेंडर जैसा, उसी टाइप का सब पेंटिंग सब लेकर के शो, ये पता नहीं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए जरा अगर ये मतलब इसमें ध्यान थोड़ा कम देगा ना, जो काम करेगा, जो कैसा
मेरा काम रहेगा, मैं एक काम करेगा, मेरा काम रहेगा, ऑटोमेटिकली सेल तो होगा ही। मेरा मैंने जॉब काम किया, मैं अपना बारे में बता, मैंने जॉब काम किया, मैंने कभी सोचा नहीं मेरा काम कैसे सेल होगा, फिर कैसे दूसरा काम करेगा, ऐसा नहीं है। तो मेरा एक प्लस पॉइंट था कि मैंने इंटीरियर डेकोरेशन जो किया, बहुत सारे पेंटिंग्स किया, मैं मेरा कैपिटल मतलब स्ट्रांग था, मैं तो इसीलिए पैसा के बारे में मेरे को सोचना नहीं पड़ा। मैं जितना क्रिएटिव काम के स्कल्पचर्स के बारे में तो कभी सोचना ही नहीं, इतना मेरा। मैंने जॉब ललित कला में काम किया, कास्टिंग का, मेटल कास्टिंग, मेटल कास्टिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। तो दूसरा आर्टिस्ट एक काम करने के लिए 15 किलो मेटल चाहिए, तो वो 15 किलो मेटल ही ले आता है, उसका कास्टिंग हो गया। लेकिन मैंने जब कास्टिंग शुरू करता है, कम से कम 1 टन मेटल मेरा आ जाता, क्योंकि मेरा एक साथ जो काम होता है, बहुत सारे वर्क्स एक साथ कास्टिंग करके उसको कंप्लीट करता है। तो मैं जो तो इसीलिए मैं मेरे को एक यंग को यही बोलना चाहता, जो काम का बारे में हाई मतलब ऊंचा सोचना पड़ेगा, तब बढ़ेगा। क्योंकि अगर सोचेगा जो मैं एक पेंटिंग हो गया, चलो इसको, मैंने कभी कोई आर्टिस्ट ऐसा है इसको बोल ले तो, अरे तुम काम क्यों नहीं करता आजकल, काम बंद कर दिया। आ दादा क्या करेगा काम, काम तो सब घर में बहुत सारे जमा हो गया, सेल हो ही नहीं तो कैसे क्या करेगा। तो ये प्रॉब्लम तो होता ही, एक बहुत ये एक प्रॉब्लम है। जी, आप जो स्कल्पचर्स में दादा काम करता है, आप वुड में भी करते हैं, टेराकोटा में भी करते हैं, कास्टिंग में, मेटल में, आपका सबसे फेवरेट मेरे ख्याल से ब्रास पेंटिंग है, ब्रास स्कल्पचर्स है, तो हाँ ये ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में है, ब्रॉन्ज में, हाँ तो ये अलग अलग मीडियम में, ये इसमें सबसे मजा आपको ब्रॉन्ज में क्यों आता है, आपको कौन सा इसमें आता है या ब्रॉन्ज में आता है, क्यों आता है दादा? यस यस राइट। ब्रॉन्ज में क्या है, मैंने जॉब कास्टिंग शुरू किया, ये आई थिंक 1970 में, जब कला भवन में मैं स्टूडेंट था, तो किंकर दा मेरे को बोला, तारक चलो हम लोग के बाद अब ब्रॉन्ज कास्टिंग शुरू करेगा। तो मैंने बोला जो ब्रॉन्ज कास्टिंग तो बहुत मतलब मेरा जो बेसिक नॉलेज था, मैंने बोला ब्रॉन्ज कास्टिंग तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो इजी कास्टिंग के लिए मैंने एक ढोकरा कास्टिंग, वो बहुत इजी है, डायरेक्ट मोल्ड हो जाएगा वो एकदम फटाफट। तो बोला हाँ चलो हम लोग डोगरा कास्टिंग शुरू करेंगे, तो कहाँ से मिलेगा। तो मैंने बोला अब मेरा जो घर है उसका बगल में एक दरियापुर एक जगह है, तो वो विलेज जो है वो सब वो डोगरा का ही काम करता है, तो मैं वहां से आदमी उठा के ले आएगा, जाओ अभी चला जाओ जाके ले आओ। तो मैं चला गया, जा करके मैंने उन लोग का साथ बात करके बोला, अच्छा तुम्हारा इधर सबसे सीनियर और अच्छा काम करता है ऐसा कौन है। तो सब एक बात बोला, हराधन, हराधन। तो जब हराधन को बुलाओ, तो हराधन कर्मकार, हराधन कर्मकार को बुलाया, तो मैंने उसको बोला चलो तुम शांतिनिकेतन तो चलो। बोले नहीं बाबू, नहीं बाबू, मेरा बच्चा है, मेरा फैमिली है, वो सब मर जाएगा। अरे मरेगा क्यों, तुमको तो बचेगा। नहीं वो कैसे, अरे तुम्हारा उधर नकली मिल जाएगा। अच्छा नकली मिल जाएगा, तो ये तो हम चलेगा। तो उसको मैं पकड़ के ले आया किंकरदा के पास, किंकरदा बोला चलो तुम इधर हम लोग के पास तुम काम करो, तुम्हारा नकली पक्का कर देगा। तो वो तो बहुत साल तक जब तब ये था उधर ही काम किया, तो वो डोगरा कास्टिंग उस टाइम शुरू किया। तो मैंने इतना मतलब डोगरा कास्टिंग का इतना इंटरेस्टिंग वैक्स का वैसो ये बना करके जब कास्टिंग हो जाता है, इतना अच्छा लगता है। तो
तो मैंने सोचा, मैंने खुद बच्चों का सिंह अपना इधर फाउंड्री बना के हम कास्टिंग करेंगे। उधर नहीं हो पाया उस टाइम, हम कोशिश किया था, इनको डरी कोशिश किया कि उधर मैं जो कास्टिंग ब्रांच कास्टिंग का, लेकिन पॉसिबल नहीं था उस टाइम। फंडिंग का प्रॉब्लम है बहुत सारे, तो मैंने आकर के अपना इधर ललित कला में मैंने कास्टिंग, उधर कास्टिंग शुरू, कास्टिंग स्टार्ट किया, एवं बहुत अच्छा अच्छा मतलब मेटल कास्टिंग उधर हुआ। आउट जो आर्टिस्ट है वो लोग भी मेरा साथ कास्टिंग किया। अब जो क्वेश्चन, ये मेटल कास्टिंग में क्यों इतना इंटरेस्ट, क्योंकि एक्चुअली जितना स्कल्प्टर्स हैं जो ब्रंज कास्टिंग करता है, ब्रंज का स्कल्पचर बनाता है, 90% मोर देन 90% स्कल्प्टर्स वो खुद काम नहीं करता ब्रॉन्ज में, वो कास्टर को दे देता है। क्या होता है इसमें, कास्टर लोग क्या करता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड जो फॉर्म में जो कॉम्प्लिकेटेड है वो काट देता है, वहां से काट करके अलग कास्टिंग कर लेता है, फिर उसको वेल्डिंग करके जोड़ देता है। ये मेरा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं खुद कास्टिंग कर, मैंने इतना सारा वर्क्स जो वन पीस कास्ट किया, लेकिन वो उसी का टेक्निकल जो तरीका है वो मैंने सोच करके मैंने किया। शंकर चौधरी का नाम सुना होगा, प्रोफेसर शंकर चौधरी जो हाँ ललित दादा, कला का, हाँ दादा, हाँ वो मेरे को बहुत प्यार, वो जब कलकत्ता आता था तो मेरा पास ही इधर ठहर जाता, वो मेरा कास्टिंग देख करके, वो इतना सीनियर स्कल्प्टर जो बड़ौदा का डीन था ब्रॉन्ज कास्टिंग में, इतना एक्सपीरियंस, वो भी मेरा कास्टिंग देख करके बोला, अरे तारो तू तो क्या बनाया, ऐसा एक फिगर मोर देन मदर एंड चाइल्ड का एक बहुत बड़ा कंपोजिशन है, करीब 150 किलो का उसमें मेटल कंज्यूम किया, तो वो पीस टोटल वन पीस में कास्ट किया, इतना कॉम्प्लिकेटेड पीस, तो एक भी उसमें वेल्डिंग का जरूरत नहीं था। तो ये सब मतलब रिसर्च करके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके, अभी जो कास्टिंग मैं करता हूँ ना, एकदम नीट कास्टिंग हो जाता है, कोई जगह मतलब वेल्डिंग करके फिनिशिंग करना नहीं पड़ता। तो ऐसे ही ये मेरा इंटरेस्ट है इसमें। आपने बहुत अलग अलग सब्जेक्ट में काम किया, अलग अलग मीडियम में काम किया दादा। आपने यस 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 एक क्यूरियोसिटी मेरे में है, एक क्वेश्चन मैं पूछता। आप जब पेंटिंग करते हैं वो 2D में रहता है, कलर में रहता है, लेकिन आप स्कल्पचर करते हैं वो तो 3D में जाता है, लाइफ साइज का, एंड उसका हाँ साइज भी बड़ा रहता है, लेकिन पेंटिंग क्या है? ये 2D और 3D में कभी आपको ये लगा, कैसा लगा ये? इंटरेस्टिंग नहीं, एक्चुअली स्कल्पचर वो तो 3D का ही ऑटोमेटिकली फॉर्म आ जाता है 3D का, बराबर एंड तो वो ऑटोमेटिकली पेंटिंग में भी थोड़ा वही कॉन्सेप्ट आ जाता है, थोड़ा 3D फॉर्म निकालने का। तो ये जो स्कल्पचर में जो रहता है वो अगर पेंटिंग करे तो उसका थोड़ा फिगर में फिगरेटिव काम करेगा, तो उसका थोड़ा वो फॉर्म आ ही जाएगा थोड़ा सा। और एक चीज जो मैं बोल ये बोलना अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं देखो, मैं टेराकोटा में काम किया, काम नहीं ऐसा काम एक्सपेरिमेंटल, बहुत बड़ा बड़ा मतलब एक 18 फीट का एक म्यूरल बनाया मेरा गेट का सामने, अगर देखोगे टेराकोटा का, एंड वो टेराकोटा को पूरा ये करके मैंने इधर एक कैंप बनाया, एक नेशनल कैंप, बहुत सारे वो मतलब अहमदाबाद से, मुंबई से, ये सब प्रोफेसर जो है
ये लोग भी ज्वाइन किया ये कैंप में टेराकोटा। तो मेरा लड़का उसको ये किया मतलब कंडक्ट किया था। तो वो कैंप में मैंने मैंने सोचा था जो स्कल्प्टर्स लोग आजकल मेटल बहुत एक्सपेंसिव हो गया तो ये लोग टेराकोटा में क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि उसको मालूम नहीं टेराकोटा का। टेराकोटा तो ऐसा नहीं है सिर्फ क्ले को बना देगा चलो जला देगा हो गया टेराकोटा, नहीं है। पहले मिट्टी को पहचानो ये टेराकोटा का सुटेबल है कि नहीं, वो कैसे उसका तरीका किस तरीका से इसमें ये सॉल्ट फ्री है कि नहीं, ये सब जानना पड़ता है। अगर सॉल्ट है तो वो सॉल्ट कैसे निकालना जाता है, ये सब टेक्निकल जो ये है इसको मैंने सिखाया है। और वो बांग्लादेश से आया, सब मिलकर बहुत अच्छा एक मतलब इधर टेराकोटा कैंप किया था। तो ये सब अलग अलग जगह जा करके अभी वो लोग टेराकोटा का काम करके बहुत मतलब एग्जीबिशन करता है, बहुत सारे काम सेल करता है। तो ये अच्छा लगा। एंड स्टोन कार्विंग, स्टोन कार्विंग जो है वो भी सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है स्टोन कार्विंग से जो मैक्सिमम कार्बर जो है वो खुद नहीं काम करता, वो कार्बर को बुला लेता है, वो एक मैकेट बना दिया चलो वो काट काट के ऐसा नहीं। स्टोन कार्विंग को एक तरीका होता है, वो फाइबर स्टोन में वुड में एक फाइबर फॉलो करके उसको काटना पड़ता है, नहीं तो टूट जाएगा। तो ऐसा हर मीडियम में काम करने का मेरा बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा मिलता है। जब मैं स्टोन में काम करता मतलब बहुत अच्छा लगता है, मैंने घंटा भर काम करने का। तो ऐसे एक्सेलेंट दादा, आपके साथ बात करके बहुत मजा आ रहा है उसमें। एंड मैंने आपका बहुत टाइम लिया दादा, मैंने एक्चुअली बोला था कि हाफ एन आवर 45 मिनट्स में खत्म हो गया, लेकिन आपके साथ बात करते करते आपका सुनने का बहुत अच्छा लगा इसमें। एंड हम डेफिनेटली और एक बार मिलेंगे एंड इसके बारे में और जानेंगे दादा। हाँ, और तो बहुत कुछ बोलने का है, बहुत सारे दिल चाहता है, लेकिन तुम्हारा टाइम जो है उसमें तो नहीं हो पाएगा। चलो हम लोग जरूर नेक्स्ट टाइम हम आउट नेक्स्ट टाइम और मिलेंगे और विस्तृत रूप से आपके दिल से। आप बहुत बात करते हैं, आपके साथ बहुत इंफॉर्मेशन है आपके साथ, ये हम डेफिनेटली उसको शेयर करें क्योंकि लोगों को भी पता चले या यंग जनरेशन को भी वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चलता है ना, तो बहुत इंस्पिरेशन मिलता है उससे। बहुत ही जरूरत है ये। मैं ज्यादा यंग यंग जनरेशन का बारे में बहुत सोचता, मैंने इधर इधर आजकल देखो आर्ट कॉलेज में कुछ नहीं हो, ये सब स्टूडेंट्स लोग मेरे पास आता है कोई भी प्रॉब्लम कास्टिंग के बारे में और किसी भी पूछने का स्कल्पचर का कोई कंपोजिशन, दादा ये ठीक हुआ कि हाँ चलो इसके ऐसा करो ऐसा। तो मेरे को अच्छा लगता है ये हमको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए तो वो अच्छा काम करता है। ऐसा बहुत स्टूडेंट है जो अच्छा काम करता है। एक्सेलेंट दादा, एक्सेलेंट। हम फिर से मिलेंगे एंड और विस्तृत रूप से हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच दादा। फ्रेंड्स, आई बिलीव दैट ये जो डिस्कशन तारक गरई साहब के साथ जो हुआ, डेफिनेटली आप उसको बहुत उसको एंजॉय करेंगे। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आर्ट टीवी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर दादा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू।